और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें ही गिनती की जानकारी कम है, उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई, इंटरमीडिएट में देख लो बच्चों की संख्या कम हो गई, आईटीआई पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहां ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां और रोजगार हैं, तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर वो आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे, शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है। हमें याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी, यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बड़ा किया जाए, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं, जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती, जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती, तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है, सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है समाज को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।